ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड 2020 कितने लोगों को देने की घोषणा की है? ए 27 लोग, बी 28 लोग, सी 29 लोग या डी 30 लोग। नहर के किनारे सुनसान स्थल पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्ध निर्मित हथियार बरामद। भागलपुर जिले के गोराडी थाना अंतर्गत डहरपुर गांव में कतरिया नहर के उत्तर किनारे सुनसान स्थान पर एसटीएफ जमालपुर एवं भागलपुर पुलिस के द्वारा मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। घटनास्थल से कई सामान को बरामद किया गया है, जिनमें 6 अर्ध निर्मित देसी कट्टा, 0.315 का 2 खोखा, 32 लोहे का बना देसी कट्टा बनाने का बेस, 32 देसी कट्टा बनाने में उपयोग किए जाने वाला हैमर, 2 बड़ा हथियार बनाने में काठ का बना बट सहित कई अन्य सामग्री को बरामद किया गया है। गंगा नदी के बढ़ते उफान से बड़ी बिशनपुर सहजादपुर के पुल ध्वस्त होने की आशंका, क्षेत्र के लोग हुए भयभीत। भागलपुर के नारायणपुर अंचल के बड़ी बिशनपुर सहजादपुर पुल गंगा नदी के बाढ़ उफान से पुल ध्वस्त होने की आशंका से लोगों को भयभीत कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ी बिशनपुर सहजादपुर बैकंठपुर पंचायत के लोग सहजादपुर पुल से ही नाथनगर भागलपुर बाजार जाने का मुख्य रास्ता है, जो पुल टूट जाने से 2 पंचायत के लोग बुरी तरह से पूर्णतया प्रभावित हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा उक्त पुल को लेकर कई पदाधिकारी के पास आवेदन देने के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि बिशनपुर सहजादपुर पुल करोड़ों रुपए से बना था, लेकिन 2 वर्ष में ही पुल ध्वस्त होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं पिछले साल पुल टूटने से वर्तमान सांसद अजय मंडल सहित कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कत को देखते हुए सांसद अजय मंडल ने मात्र 3 माह में ही पुल बनने का आश्वासन लोगों को दिया था, लेकिन पुल बनना तो दूर, क्षेत्र के लोगों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझे। वहीं गंगा पानी के बढ़ते तेज पुनः पुल टूटने की आशंका से लोगों को भय सताने लगा है। पंचायत है, इसके अंतर्गत 18-20 गांव है और मामला यही है कि सर ये जो रोड है हमारी रोड मेन रोड और यहां से आने जाने का नाथनगर हम लोगों का बाजार पड़ता है और ये पुल अभी ध्वस्त हो रहा है। ये देख लीजिए सर पुल, ये जो ध्वस्त हो रहा है। अजय मंडल साहब जो सांसद बने थे, बनने के बाद वो आए थे पिछले साल पूरा पुल टूट गया था। हम लोग आंदोलन चलाए थे, उसको बुलाए थे देखने के लिए कि अभी वर्तमान में आप सांसद महोदय हैं, इसको क्लियर कीजिए क्योंकि हमारी जनता यहाँ पे अगर यदि ये पुल ध्वस्त तो हो ही गया, नाव से हम लोग आज आते जाते थे। अभी वर्तमान में जो ये पुल है ये भी ध्वस्त होने वाला है। अजय मंडल आए, वो बोले कि 3 महीना के अंदर में हम पुल बनाएंगे। जो करोड़ों का योजना चला था वो योजना अनसक्सेस रहा, सक्सेस वो नहीं हो सका और वो भी वादा किए, वो आए कुछ कर दिए, थोड़ा सा मिट्टिया उटिया गिरा दिए तो आने जाने का रास्ता हो गया, लेकिन वो भी गए हैं तो अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। लेकिन ये हमारा सर समस्या है, मेन समस्या ये। एप्लीकेशन दिए, आवेदन दिए हैं और अजय मंडल के पास गए हैं सर, सांसद महोदय के पास गए, इसका प्रतिलिपि हम सबको दे दिए। वर्तमान हमारा जो विधायिका है बरसा रानी उसको दिए, डीएम को दिए, मुख्यमंत्री को भी फैक्स किए, इसका समस्या का समाधान सब किए। और दूसरा समस्या है कि सर हमारी जो ये क्या हुआ इसके बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ सर, कोई हमको अभी सूचना नहीं मिला है। बोला कि पुल बनेगा लेकिन अभी तक सर आपके सामने में है ये पुल नहीं बना है। मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ जी सर, बिशनपुर पड़ता है मेरा घर। ये जो पंचायत है बैकटपुर और सहजादपुर पंचायत, ये नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं सर, और यह जो है नारायणपुर और नाथनगर प्रखंड के सीमा पे है और यह 10-20 हजार के आबादी में ये दोनों पंचायत है, 20 हजार के आबादी में। और इसका मुख्य सड़क जो है बैकटपुर पंचायत और सहजादपुर पंचायत का आवागमन का नाथनगर जाने के लिए एक ही यही सड़क है और गंगा नदी का पानी आने से लोग ऐसे भयभीत रहता है सर यहाँ पे। और यह रोड जो है कि
टूटने वाला है, नीचे से पानी बह रही है, ऊपर से बहने वाला है। और यह जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से यह सड़क बना है सर, 2 साल बना हुआ है, एक बार तो टूट गया, जनता लोग अपने से रिपेयरिंग करके अभी तक इस पे चल रहा है, फिर बाढ़ आया है सर, लोग तो ऐसे भयभीत है गंगा नदी से। और यह टूट जाएगा तो सर दोनों पंचायत का आवागमन बंद हो जाएगा, यहाँ का जनता कैसे सर आवागमन करेगा, 100 ऑटो चलता है, 100 टोटो चलता है सर, यहाँ 5000 पशु। नवगछिया में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन, प्रशासन द्वारा तय किए गए लॉकडाउन का नवगछिया में पालन नहीं हो रहा है। कई दिनों तक लॉकडाउन का पालन नहीं होने के बाद शनिवार को पुलिस की एक टीम ने नवगछिया बाजार में फ्लैग मार्च किया था, जिससे दुकान शाम 6 बजे तक बंद हो गई थी, लेकिन रविवार को स्थिति जस के तस हो गई। लोग देर शाम तक अपनी दुकानों में जमे थे और नवगछिया बाजार में बड़े पैमाने पर वाहनों की आवाजाही हो रही थी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि प्रशासनिक स्तर से मॉल को बंद रखने का निर्देश देने के बाद भी नवगछिया के 3 मॉल रविवार को खुले देखे गए। मालूम हो कि नवगछिया में लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, रोज दहाई संख्या में कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ नवगछिया शहर के स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी भयावह हो गई है। रविवार को ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से सूचना मिली कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं के बराबर किया जा रहा है। नवगछिया के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर आए दिन कड़ी कार्रवाई संभव है। विक्रमशिला सेतु 5 घंटे तक लगा भयानक जाम, किरान मंगवाकर हटवाया गया खराब ट्रक। विक्रमशिला सेतु और सेतु पथ पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भयानक जाम लगा रहा, जबकि देर शाम तक रह कर जाम की स्थिति बन गई थी। 5 घंटे तक पुल पर आवागमन पूरी तरह से ठप था, वाहन टस से मस नहीं हो पा रहे थे, जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे। जाम का कारण पुल के 100 नंबर के स्तंभ के पास एक ट्रक पूरी तरह से खराब हो गया था, जिस कारण पुल पर ऑटो या उससे छोटी गाड़ियां के ही निकलने का रास्ता बच गया था। रात तकरीबन 9 बजे खराब हुआ और देखते ही देखते पुल पर पूरी तरह से आवागमन ठप हो गया। 11 बजे के बाद स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पुल की रेलिंग पर पैदल यात्रियों को भी आसानी से चलना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ से सेतु पर लगे जाम ने सेतु पथ को भी प्रभावित कर दिया, ट्रकों के साथ यात्री वाहनों की लंबी कतार तेतरी तक पहुंच गया। जाह्नवी चौक टीओपी के जवान व पुलिस पदाधिकारी के साथ परबत्ता थाने के पुलिस बल जाम को हटाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन ट्रक को हटाए बिना जाम पर काबू पाना नामुमकिन था। पुलिस स्तर से किरान मंगवाकर खराब भरे ट्रक को काफी मशक्कत के बाद हटाया गया। खराब ट्रक को हटाए जाने के बाद भी 2 घंटे तक जाम लगा रहा। वहीं देर शाम तक समाचार लिखे जाने तक सेतु पर रह कर जाम की स्थिति बन रही थी। जाम के दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लोग घंटों अपने वाहन के साथ जाम में फंसे रहे। जाम के दौरान बड़ी संख्या में यात्री पैदल ही अपने भारी भरकम सामानों के साथ पुल पार करते देखे गए। ट्रक पर लगाया 44,500 रुपए का जुर्माना। MBI की टीम ने विक्रमशिला सेतु पर खराब हुए ट्रक GH02AE 5749 पर 44,500 का जुर्माना लगाया है। परबत्ता के थाना अध्यक्ष दरोगा रामचंद्र ने कहा कि सेतु पर ट्रक खराब हो जाने के कारण सेतु पर जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस ने यथासंभव मेहनत कर कम समय में ही जीतू को जाम से मुक्त करवा दिया। उन्होंने कहा कि शाम में यातायात पूर्ववत है। नवगछिया में 2 कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में 2 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में एक नवगछिया शहर व दूसरा नवगछिया उपकारा के एक बंदी है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में 2 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उपकारा में 1 की जांच की गई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को 13 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। नवगछिया जिला राजद की बैठक संपन्न, प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया बूथ लेवल मजबूत करने का मंत्र। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में रविवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान व संचालन जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास जानी किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमंडलीय प्रभारी तारकेश्वर ठाकुर उपस्थित हुए। श्री ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ लेवल की मजबूती पर ही चुनाव टिका होता है, अतः सभी प्रभारियों को चाहिए कि बूथ लेवल कमेटी पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर उसे पूर्णतया मजबूती दें। वहीं बूथ लेवल कमेटी की मजबूती के लिए जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान ने नौगछिया प्रखंड में संजय कुमार मंडल व शैलेश कुमार, रंगरा प्रखंड में मनोज यादव व अशोक यादव, गोपालपुर प्रखंड में धर्मेंद्र यादव व विभूति भूषण, नगर पंचायत नौगछिया में अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव, विश्वास झा एवं रीता यादव सहित इस्माइलपुर प्रखंड में मनोज मंडल उर्फ महेश फौजी, सुजीत कुमार मंडल एवं बबलू यादव को प्रभारी मनोनीत किया है। मास सिकिंग अभियान में 117 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 117 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 5850 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 4 वाहन से 4000 रुपए भी जुर्माना वसूल किए गए हैं। वाहन चेकिंग अभियान में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। नौगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशु राउत पुल पहुंच पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी ढोलबजा थाना क्षेत्र के मिल्की टोला निवासी मनोज कुमार उर्फ मंटू मंडल है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। नौगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम ने बताया कि नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा के नेतृत्व में पुल पहुंच पथ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे खदेड़कर पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773 93 043 67 170।